सुशांत के मौत के बाद रिया के शव गृह में जाने को लेकर SHRC ने मुंबई पुलिस और BMC को भेजा नोटिस। दिव्यंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के शव गृह में जाने को लेकर महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग SHRC ने मुंबई पुलिस और बृहन मुंबई महानगरी निगम BMC को फटकार लगाई है। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग ने इसे लेकर दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इतना ही नहीं, SHRC ने पुलिस और सिविल अथॉरिटी से सोमवार तक मामले में अपना विस्तृत जवाब पेश करने का भी आदेश दिया है। आखिर क्यों तापसी पन्नू ले रही संतुलित डाइट? अभिनेत्री तापसी पन्नू अपनी आगामी स्पोर्ट फिल्म रश्मि रॉकेट में एक एथलीट की भूमिका निभाने वाली हैं। तापसी पन्नू इस फिल्म में पूरी तरह से एक एथलीट की तरह ही दिखने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं और इसी कारण वह इन दिनों संतुलित डाइट ले रही हैं, जिससे कि वो रोल में बिल्कुल फिट हो सके। सुशांत के दोस्तों को मिल रही धमकियां। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर और उनके पूर्व मैनेजर अंकित आचार्य को सच बताने के लिए धमकी मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। गणेश ने बताया कि हाँ, हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें अब सावधान व चौकन्ना रहना होगा। फिलहाल अभी तक तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर ने अपने और अपने दोस्त अंकित के लिए सुरक्षा की मांग की है। तमन्ना भाटिया के माता पिता हुए कोरोना से संक्रमित। बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के माता पिता का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। तमन्ना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनका और पूरे स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट निगेटिव है। तमन्ना ने बताया, पिछले कुछ वक्त से मेरे माता पिता कोविड-19 के हल्के लक्षण दिखा रहे थे। एहतियातन के तौर पर घर में सभी लोगों ने जाँच करवाई, जिसमें मेरे माता पिता का रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। नीट JEE परीक्षा, सोनू सूद ने सरकार से की अपील। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ नीट JEE की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में बच्चे काफी परेशान हैं, उन्हें एग्जाम से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। विपक्ष की ओर से परीक्षाओं को टालने की अपील लगातार की जा रही है, अब जिसमें बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से एग्जाम को कुछ दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया है। मशहूर एक्टर जिसान अयूब ने नीट और JEE की परीक्षा को लेकर कसा तंज। देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस के बीच मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट और JEE की परीक्षाएं कराने का फैसला किया गया है, जिसे लेकर नेताओं के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हाल ही में इस मामले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिसान अयूब ने सोशल मीडिया पर कहा कि आम आदमी मरे तो मरे, पर इम्तिहान नहीं टलना चाहिए, जिस पर लोगों की खूब प्रतिक्रिया मिल रही है। कब आ रही अनन्या और ईशान की फिल्म खाली पीली? हाल ही में ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म खाली पीली का टीजर रिलीज किया गया है। इस टीजर को सोशल मीडिया पर कुछ खास रिव्यू नहीं मिला है। अब इस फिल्म के रिलीज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। जी स्टूडियो के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म उनके खुद के प्लेटफॉर्म G5 पर 2 अक्टूबर को रिलीज की जा सकती है। ट्विटर पर उठ रही मिर्जापुर 2 को बहिष्कार करने की मांग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुड्डन भैया यानी अली फजल ने CAA के विरोध के समर्थक में ट्वीट किया था। CAA और NRC के विरोध के दौरान अली फजल ने CAA का विरोध करते हुए मिर्जापुर का एक डायलॉग ट्वीट किया था। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। इसी डायलॉग को लेकर अब मिर्जापुर 2 का विरोध किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि मिर्जापुर 2 में गुड्डन भैया बेहतरीन लग रहा है और हमें भी मिर्जापुर 2 को बायकॉट करके अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। फिल्म क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। अर्जुन कपूर रकुल प्रीत सिंह के लीड रोल वाली क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी फिल्म की शूटिंग 24 अगस्त से शुरू हो गई है। अब इस फिल्म में जॉन इब्राहिम और अदिति रॉय हैदरी का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। फिल्म में कंवलजीत सिंह और नीना गुप्ता भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में नीना गुप्ता ने अर्जुन की दादी की भूमिका निभाई है और उनकी जवानी का किरदार अदिति रॉय हैदरी निभा रही हैं। यह फिल्म 1947 में भारत की आज़ादी के समय में दिखाई जाएगी। अनुष्का ने कहा, हमारी इंडस्ट्री चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।
अनुष्का शर्मा कोरोना महामारी के बाद हिंदी फिल्म उद्योग को वापस पटरी पर लौटते हुए देखना चाहती हैं। वेब सीरीज पाताल लोक और बुलबुल की सफलता के बाद अनुष्का जल्द ही वापसी कर सकती हैं। अनुष्का को यकीन है कि बॉलीवुड मौजूदा माहौल में आ रही चुनौतियों का सामना भी बेहतरीन तरीके से कर लेगा। अनुष्का कहती हैं कि हमारा इंडस्ट्री कलाकारों और क्रू मेंबर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने के मामले में काफी सक्षम है। आगे चलकर सेट पर माहौल निश्चित रूप से अलग होगा, लेकिन हम सभी को इन परिवर्तनों को अपनाने की जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी आज की अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के आने पर आपको पता चल सके। नमस्कार।